तो हमने रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिविटी में कुछ फॉर्मूलाज किए थे, हमने प्रूफ भी किए थे वैसे तो। पहला प्रूफ या पहला फॉर्मूला क्या था, अल्फा डीके, अल्फा डीके में क्या सिखाया था, हीलियम को बाहर निकाल देना है 4-2। तो मैंने बताया था कि अगर ये ए है, ए माइनस 4 हो जाएगा, और जो अगर ये जेड है तो जेड माइनस 2 हो जाएगा। दूसरा डीके कौन सा था, बीटा डीके। मैंने आपको बीटा के दो डीकेज करवाए हैं, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव। बाय डिफॉल्ट अगर सिर्फ बीटा डीके लिखा है वो बीटा नेगेटिव होता है, तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो बीटा डीके का मतलब ई 0-1 बाहर निकालना है, तो ए का ए रहेगा और जेड का क्या हो जाएगा, जेड प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है गामा डीके, गामा डीके में कुछ भी नहीं होता, ए का ए रहता है, जेड का जेड रहता है। फिर मैंने करवाया रेडियो एक्टिव के लॉस, लॉस का पहला लॉ क्या करवाया था, माइनस dN बाई dt क्या होता है, लैम्डा इनटू n, और ऐसी n क्या होता है, n नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा के। क्लियर यहां तक? तो ये वैल्यू, हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला करवाया था, हाफ लाइफ पीरियड मैंने करवाया था 0.6931 बाई लैम्डा, लेकिन ऐसा भी लिखा जा सकता है लॉग ऑफ 2 to the base e बाई लैम्डा, क्योंकि लॉग 2 to the base e की वैल्यू क्या होती है, 0.6931। तो आप ऐसे इसको बॉक्स में मार्क कर सकते हैं, ठीक, याद रहेगा। मैंने ये करवाया था, मैंने ये नहीं करवाया, पर ये कैलकुलेशन में यूज हुआ था। तो अगर कोई बुक ऐसे यूज करे, या अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में ऑप्शन इस फॉर्म में गिवन हो, तो पता होना चाहिए कि आप लॉग 2 लिख सकते हैं ऐसे, राइट। नेक्स्ट है एन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, एन नॉट हाफ रेज टू पावर स्मॉल एन। ये हमने एक फॉर्मूला किया था शॉर्टकट, एन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट, एन नॉट का मतलब क्या था, नंबर ऑफ एटम इनिशियली प्रेजेंट इन द सैंपल एट टाइम टी इक्वल टू 0, और स्मॉल एन क्या था, स्मॉल टी बाय हाफ लाइफ पीरियड। ये बताया था मैंने, स्मॉल टी का मतलब है कितनी देर तक रेडियो एक्टिविटी चली, हाफ लाइफ तो आपको पता ही है क्या होता है। नेक्स्ट है मीन लाइफ क्या था, 1 बाय लैम्डा, या सॉल्व करके क्या आया था, 1.44 टाइम्स टी हाफ लाइफ पीरियड। जो मीन लाइफ होती है 1.44 टाइम्स हाफ लाइफ के इक्वल होती है, ये फॉर्मूला याद करना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी सिखाई थी, एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी आर डी एन बाई डी टी या लैम्डा एन, ये इसका फॉर्मूला। लैम्डा एन तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एन का मतलब नंबर ऑफ एटम्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, और आर का मतलब एक्टिविटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। तो एन की जगह आप क्या लिख सकते हो, एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्टिविटी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है ये हमने एक प्रूफ किया था कितनी देर तक रेडियो एक्टिविटी चलेगी, स्मॉल टी, तो स्मॉल टी कितनी देर तक रेडियो एक्टिविटी चलेगी, ये फॉर्मूला मैंने प्रूफ करवाया था उसमें। तो ये आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, और अगर लैम्डा निकालना हो यहाँ से, तो लैम्डा एक तरफ स्मॉल टी एक तरफ, तो लैम्डा का ये फॉर्मूला भी काम आ सकता है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे 1 क्यूरी जो है करवाया था 3.7 × 10^10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और 1 rather 4 × 10^6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये भी मैंने लिखवाया था कन्वर्जन कैसे करनी है। तो पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी एल्फा एंड बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स विल बी एमिटेड when this element is converted into this element, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहली चीज ये बताओ, अल्फा पार्टिकल होता क्या है, हीलियम 4-2। तो अगर आप ये देखो, इसका एटॉमिक मास नंबर 232 है, और जो नया मास नंबर है 208 है, डिफरेंस कितना है, माइनस कर लो डिफरेंस कितना है, 24। तो आप ये देखो कि अगर इसमें से मैंने हीलियम निकाला होता, हीलियम 4-2 निकाला होता, तो ऐसे कितने हीलियम निकाले होते। तो एक काम करते हैं, इसमें से इसे माइनस कर लो और डिवाइड बाय 4 कर लो, क्योंकि ये नंबर मैंने बताना है इसके आगे क्या नंबर लगाना है। तो इसका नंबर 24 आया, डिफरेंस डिवाइड बाय 4 करके क्या आएगा, 6। तो ऐसे कितने हीलियम पार्टिकल निकले होंगे, 6, या निकलने चाहिए 6, पर एक प्रॉब्लम है, मैंने अपनी कैलकुलेशन सिर्फ एटॉमिक मास नंबर से की है। तो अगर मैं अपनी कैलकुलेशन एटॉमिक मास नंबर से करता हुआ यहां 6 लिख देता हूं, तो ये तो हो गया सॉल्व, सही हो गया, बैलेंस हो गई, पर ये वाला एटॉमिक नंबर बैलेंस नहीं हुआ। चेक करके देख लो, ये 90 है, ये 82 है, और चेक करके देखो ये 12 हो जाएगा, तो 12 में 82 ऐड करोगे 90 नहीं आएगा। तो यानी कि 6 अल्फा पार्टिकल तो आंसर है नहीं इसका, पर लेकिन एटॉमिक मास नंबर से कैलकुलेशन सही बैठ रही है। तो मैं ऊपर वाला पार्ट रखना चाहता हूं, एटॉमिक नंबर वाला पार्ट हटाना चाहता हूं। अब ये तो होने, हीलियम ये तो नहीं कहेगा ना, तुम यार एटॉमिक मास नंबर मेरा सेम रख लो, एटॉमिक नंबर ना चेंज कर लो, तो ये तो बात बनेगी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बीटा पार्टिकल लेने पड़ेंगे। बीटा पार्टिकल की खास बात ये है कि जो बीटा पार्टिकल है वो एटॉमिक मास नंबर को छेड़ता ही नहीं,
क्योंकि इसका खुद का एटॉमिक मास नंबर क्या है, जीरो, इसको छेड़ेगा ही नहीं, तो क्या क्या रह गया, एटॉमिक नंबर। और फायदा ये है कि आपके पास ये कितने 12, ये कितने 82 और ये कितने 90। आप मुझे ये बताओ कि 90 में से 82 गया तो कितने हुए, 8, 8 हो गए, और ये कितने हैं 12, तो कितने हो गए, इसमें ऐड कर दो 12 ऐड कर दो, ठीक। अब मैं यहां कितने बीटा पार्टिकल लूं ताकि मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाए, ठीक, तो कितने, अभी इक्वेशन बैलेंस करके देखो, 4 लगेगा, चेक लगा के देख लो, 4 लगाने से इसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अब चेक करना क्या ये बैलेंस हो रहे हैं, ये कितने 90, ये कितने 82, ये कितने 12 और ये कितने -4, तो चेक करके देखो 82 प्लस 12 माइनस 4 कितना आ रहा है 90, डन आंसर। तो कैसे एडजस्टमेंट करनी है समझ में आ रहा है, तो आपका जो बीटा पार्टिकल है वो नीचे एटॉमिक नंबर में एडिशन करता रहेगा, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव की वजह से यहाँ सब्ट्रैक्शन करता रहेगा, तो आपका एटॉमिक नंबर को रिड्यूस करता रहेगा मास नंबर को बिना चेंज किए। और आप अल्फा पार्टिकल की कैलकुलेशन आप एटॉमिक मास नंबर से निकाल लो, बात खत्म हो गई। तो बात समझ में आ रही है, तो ये बीटा पार्टिकल कहाँ काम आ रहा है, इस एटॉमिक नंबर को एडजस्ट करने में काम आ रहा है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेशन करनी है आपने, तो ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक, यस सर, ठीक है। तो आपको ना करना कुछ नहीं है यार, इक्वेशन बैलेंस ही तो करनी है, कितने अल्फा कितना बीटा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यही इसमें किया हुआ है, तो आप पहले इसका डिफरेंस ले लेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो वैसे ही 6 आंसर आ गया। तो 6 करने से ये जो डिफरेंस है ये 8 का डिफरेंस है, तो 8 का डिफरेंस है और यहाँ पर 12 आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको 4 माइनस ही करना पड़ेगा यहाँ से, तभी आपके आप 12 में से 4 गया तो 8 तभी सही बैठेगा, ठीक है यहाँ तक। तो थोड़ा हिट एंड ट्रेंड ज़्यादा चलता है इसमें, कितने अल्फा कितना बीटा लगाऊं ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझता हूँ मैं 13th, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, कई क्वेश्चंस ये ओरली निकलवा देगा, कम से कम नहीं तो 10-15 क्वेश्चन तो आप पेन को हाथ भी नहीं लगाएंगे इस सिर्फ एक इतनी सी बात से। और बहुत सही मेथड यूज किया इसने, क्या, हाफ लाइफ ऑफ सर्टन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 138, तो हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी है 138, करेक्शन कर लो 138 है, इज 138। आफ्टर व्हाट लैप्स ऑफ टाइम, कितने समय के बाद The undecayed fraction of the material will be 6.25%, तो कितने एटम बचे, कितने एटम बचे उससे क्या बोलते हैं undecayed, तो undecayed elements या undecayed atom कितने 6.25%। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक है यहां तक, तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट कितने 6.25। एक ना कैलकुलेशन ध्यान से देख लो, नंबर ऑफ एटम पहले हाफ लाइफ पीरियड पे कितने बचते हैं 50%, तो 50% पहला हाफ लाइफ पीरियड, दूसरे हाफ लाइफ पीरियड में इसका भी आधा कितना 25%, तो दो हाफ लाइफ पीरियड, तीसरे हाफ लाइफ पीरियड में नंबर क्या हो जाएगा 12.5%, चौथे हाफ लाइफ पीरियड में क्या हो जाएगा 6.25%, राइट, समझ में आ रहा है यहां तक। और अगर एक और हाफ लाइफ पीरियड होगा पांचवा तो 3 point something आ जाएगा, तो फिगर समझ में आ रही है। वो क्या कह रहा है कि कितने परसेंट एटम बचने चाहिए 6.25%, तो कितने हाफ लाइफ हो गए 4, सीधा कैलकुलेशन क्या आ गई 4, समझ में आ रहा है यहां तक। तो सीधा पता लग रहा है आपको कि यहां पर जो हाफ लाइफ है वो 4 है, तो वो क्या पूछ रहा है, आफ्टर व्हाट लैप्स ऑफ टाइम, कितना समय हुआ जब नंबर ऑफ एटम 6.25% हो गए, तो आप 4 को हाफ लाइफ से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, आंसर सीधा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो हाफ लाइफ पीरियड, एक हाफ लाइफ पीरियड पता है और इस प्रोसेस में 4 हाफ लाइफ पीरियड लग गए, तो इंटू 4 कर देंगे, आंसर आ गया, क्लियर है यहां तक, डाउट इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स, तो फिर से क्या गिवन है हाफ लाइफ, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स क्या निकालना है स्मॉल टी, 25% ऑफ रेडियम ब्लॉक रिमेन्स अनडिकेड, 25% रह गए अनडिकेड, तो कितने हाफ लाइफ हुए, 50 का 25 किया तो कितने हुए 2, तो ये कैलकुलेशन अवॉइड हो जाती है, सीधा आंसर 2। हाँ, अगर टेक्निकल देखा जाए और ये शॉर्टकट ना लगाया जाए फिर फॉर्मूला लगा लो, n क्या होता है n नॉट हाफ इज टू पावर स्मॉल n, 25% का मतलब क्या है 1/4,
तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 25% ऑफ एन नॉट का मतलब 1/4 ऑफ एन नॉट, यानी कि एन की जगह एन नॉट बाई फोर, एन नॉट कैंसिल, तो हाफ की वैल्यू, तो यहां से एन क्या आ गया, 2। लेकिन मैंने ये कैलकुलेशन कैसे करवा दी, ओरल, ये ज्यादा सही नहीं, ओरल वाला फिगर ही ऐसी है। तो अब आपको पता है जो स्मॉल एन होता है वो क्या होता है, स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, तो आपको निकालना है इसमें कितने समय के लिए ये प्रोसेस चला, तो 2 को स्मॉल कैपिटल टी से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो कैपिटल टी कितना है, 1600, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 1600 इंटू 2, 3200 ईयर्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, दो हाफ लाइफ पीरियड में 1600 इंटू 2 टाइम लगेगा, सही है। हाँ, अगर वैसे देखा जाए तो ये कैलकुलेशन वाइज तो ऐसे ही करना चाहिए, ठीक, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। 15 देखें इस क्वेश्चन को, तो फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल, क्या निकालना है, हाफ लाइफ, इफ इट्स एक्टिविटी ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इनिशियल वैल्यू इन 30 इयर्स। एक्टिविटी ड्रॉप का मतलब क्या होता है, कि नंबर ऑफ एटम ही आपके 1/16 रह गए, 1/16 को कैसे लिखेंगे, देखो जो एन है वो कितना हो गया, एन नॉट बाई 16, तो इस फॉर्मूले में एन की जगह एन नॉट बाई 16, एन नॉट कैंसिल, तो 1/16 का मतलब हाफ रेज टू पावर 4, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 4। पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो यहां पर एन की वैल्यू 4, यानी कि कितने हाफ लाइफ पीरियड हो गए, 4। अब आपको ये पता है कि ये प्रोसेस कितने साल तक चला, 30 इयर्स। अब एन क्या होता है, कितनी देर के लिए प्रोसेस चला डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ पीरियड, ऐसे ही है, आपको क्या निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड। तो क्या होगा, स्मॉल टी को एन से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, स्मॉल टी कितना गिवन है, 30, एन कितना गिवन है, 4, 7.5 ईयर्स। ये फॉर्मूला एंड में जरूर नोट कर लिया करो, क्योंकि ऐसे हम याद नहीं करते, हम ऐसे करते हैं। तो ये वाला एन इज इक्वल टू स्मॉल टी बाई टी हाफ, तो यहां से टी हाफ कैन बी कैलकुलेटेड, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 16th क्वेश्चन। हाफ लाइफ ऑफ अ गिवन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 138.6 डेज, कैपिटल टी हाफ लाइफ पीरियड, क्लियर है। व्हाट इज द मीन लाइफ ऑफ द न्यूक्लियाइड, तो एक तो बिल्कुल क्लियर है, जो मीन लाइफ होती है वो क्या होती है, 1.44 टाइम्स हाफ लाइफ, एक आंसर आ गया। नेक्स्ट है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल अ गिवन सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड गेट रिड्यूस टू 12.5% ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो कह रहे हैं कितने समय के बाद स्मॉल टी निकालना है ताकि ये वैल्यू कितनी हो जाए, 12.5%। अब 12.5% फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25 का आधा 12.5, तो कितने हाफ लाइफ है, 3, तो ये स्टेप बच जाता है आपका। तो क्योंकि अगर एक्चुअल करेंगे तो एन इज इक्वल टू 12.5% ऑफ एन नॉट, क्योंकि एन का मतलब नंबर ऑफ एटम जो बचे वो 12.5% ऑफ कितने थे,
तो यहाँ से एन बाई एन नॉट 12.5/100, ये वैल्यू ना बॉक्स में डाल लो। कभी कभी बुक्स ना सीधा 12.5/100, मान लो आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो और सीधा 12.5/100 आ जाता है, कट कट आके आंसर 1/8 रहेगा। फिगर थोड़ी इंपॉर्टेंट सी है। तो 1/8, तो 1/8 का मतलब हाफ रेज टू पावर 3 ऑब्वियसली, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 3। तो अगर एन की वैल्यू 3 तो एंड में क्या करेंगे, एन क्या होता है स्मॉल टी डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, तो स्मॉल टी क्या होगा स्मॉल एन इंटू हाफ लाइफ, स्मॉल एन कितना है 3 और हाफ लाइफ कितना है 138.6 आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट देखो 17th, करेक्शन भी होनी चाहिए सर, सही कह रहे हो, क्योंकि ऊपर क्या चल रहा है मीन लाइफ, ये डेज चल रहा है, डेज नहीं ठीक चल रहा है, तो नहीं नहीं अगले में होगा फिर, हाँ नेक्स्ट में होगा, राइट सही कह रहा है। तो इसके अंदर क्या गिवन है, ये भी इसमें डेज 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 नहीं, एक क्वेश्चन है इसमें यहाँ प्रॉब्लम, हाँ 18th में प्रॉब्लम है, ये डे और ये ईयर है, तो गलती से या तो दोनों ईयर है या फिर डेज है, नहीं तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो ये तो मैंने कहा ये वाला करना है हमने अभी, है ना, ये 17th करना है, हाँ तो 18th में प्रॉब्लम है, 18th पे पूछ रहा था वो। चलो, इट इज ऑब्जर्व दैट ओनली 6.25% ऑफ गिवन रेडियो एक्टिव सैंपल इज लेफ्ट अनडिकेड, तो मुझे पता लग रहा है 6.25 का मतलब सीधा एन क्या है 4। हाँ वैसे टेक्निकली करना हो तो एन इज इक्वल टू 6.25% ऑफ एन नॉट, और 625/1000 6.25/100 को कट करेंगे तो 1/16। जैसे वो वाला वैल्यू जो वैल्यू याद की है, तो ये भी आपको याद करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फिर काटने वाला जो स्टेप है वो बचता है आपका, नहीं तो फिर काटते रहो हजार कर करके उसको, 5 से 5 से 5 से करते रहो बैठ के, आएगा तो एक बार 16 ही आएगा। तो यहाँ तक ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से वैसे ओरली तो आप कर ही सकते हो, तो ओरली 6.25% का मतलब एन इज इक्वल टू 4 है। सब्जेक्टिव में आएगा एनसीईआरटी में, देखो तो लिख के दिखाना चाहिए, आप एक लाइन में लिख नहीं पाओगे, थोड़ा सा करके तो दिखाना चाहिए आपको, नहीं आएगा तो आंसर तो निकाल लिया होगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, तो यहाँ से आप हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा जो प्रोसेस है वो 16 दिन चला, एन आपको 4 पता है, यहाँ से हाफ लाइफ आ गया, पर आपको क्या निकालना है, आपको डीके कॉन्स्टेंट निकालना है लैमडा, तो हाफ लाइफ से डीके कॉन्स्टेंट 0.693 अपॉन हाफ लाइफ आंसर। तो जब हाफ लाइफ पता है वहां से डीके कॉन्स्टेंट आ जाएगा, जब डीके कॉन्स्टेंट पता है वहां से हाफ लाइफ आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट 18th करेक्शन कर लेना, यहाँ पर ये डेज है तो ये डेज कर लो, ईयर है या ईयर, दोनों या तो ईयर कर लो या डेज कर लो, एक चीज कर लो जो करना है, डेज कर लो चाहे सब कुछ, डेज कर लो ईयर की जगह डेज कर लो। तो डीके कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन रेडियो एक्टिव सैंपल इज 0.3465 पर डे, लैम्डा गिवन है तो 0.6931 को लैम्डा से डिवाइड करके हाफ लाइफ पीरियड आ गया 2। फिर क्या कर रहे हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस सैंपल विल गेट डीकेड इन अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, तो कितना परसेंट अब डीके हो गया ये आपको बताना है, उल्टा क्वेश्चन हो गया। तो क्योंकि आपको एन कितना पता लग गया 2, अब ओरली तो लिख सकते हो, दो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है, क्या आएगा 25%, क्योंकि एक हाफ लाइफ पीरियड में 100 का 50 होता है और दूसरे में 50 का
25 होते तो पता लगी क्या 25 है, वैसे करना है तो n बाई एन नॉट हाफ इज टू पावर n, n यहाँ पर 2 है तो 1/4 कितने परसेंट होता है 25%। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, देखो रेडियो एक्टिव मटीरियल इज रिड्यूस टू 1/16 ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट इन 4 डेज, तो नंबर ऑफ एटम n लेफ्ट कितने हैं, n नॉट बाय 16, तो इस फॉर्मूले में n बाय n नॉट कितना है 1/16, तो n क्या आएगा सॉल्व करके 4। वैसे ओरली भी कर सकते थे 1/16, मन में कैलकुलेट करो 1/2 raised to power 4, पावर ही तो n होता है तो सीधा यहाँ पर 2 आता है 4 आता है, सही है, मतलब अंदाजा तो हो ही जाता है आपको n क्या आएगा, तो 4 है। अब आपको पता है स्मॉल टी स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल टी बाई टी हाफ, तो टी हाफ क्या होगा स्मॉल टी बाई एन, स्मॉल टी ये प्रोसेस कितनी देर तक चला 4 दिन स्मॉल टी, और हाफ लाइफ पीरियड इसका कितना है 4 डेज, नहीं कहाँ गिवन है इसमें, अच्छा दो इसमें दो केस है, एक मिनट, इसके अंदर आपको ये करना है, मैं सेकेंड लाइन बाद में पढ़नी है, पहले फर्स्ट लाइन पढ़नी है, क्या रेडियो एक्टिव सैंपल इतना रिड्यूस हो गया इन 4 डेज, बस इतना पढ़ना है, तो आपका कितना रिड्यूस हुआ यहाँ से, n कितना आ गया 4, तो ऐसा कितनी कितने डेज में हुआ 4 डेज में, और इस केस में t हाफ आपने निकाल लिया जो कि सॉल्व करके कितना आ गया 1, हाफ लाइफ पीरियड आपका 1 आ गया। तो यहां तक जो स्टेटमेंट है, यहां से लेके यहां तक जो स्टेटमेंट है, ये आपका केस नंबर 1 है, तो ये कैलकुलेशन पर लिख लेना, ये कैलकुलेशन केस नंबर 1 है जिससे आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, हाफ लाइफ पीरियड निकाल दिया जो कि कितने 1 डे, बस इतना ही है ये। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मच मटेरियल शुड वन बिगिन विद, क्या निकालना है, एन नॉट, कितना मटेरियल रेडियो एक्टिव लिया जाए शुरू में, शुरू का मतलब क्या निकालना है, एन नॉट निकालना है, सो दैट इतने केजी ऑफ मटेरियल इज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या गिवन है एन, तो एन नॉट निकालना है, और एन गिवन है कितने टाइम में, स्मॉल टी 6 डेज में, तो ये बनेगा केस नंबर 2, समझ में आ रहा है, तो केस नंबर 1 सिर्फ इसलिए गिवन है ताकि आप हाफ लाइफ पीरियड निकाल सके, पूछा नहीं है, अच्छा फिर ये बताओ जब आप सेकंड केस सॉल्व करेंगे तो इस प्रोसेस का हाफ लाइफ क्या लेंगे, चाहिए तो होगा, अच्छा नहीं चाहिए छोड़ दो, सीधा सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, वो कह रहे चाहिए नहीं पहली लाइन मत लो, हाउ मच मटेरियल शुड वन बिगिन विद, एन नॉट निकालना है, इतना मटेरियल लेफ्ट है एन आफ्टर 6 डेज टी, चलो केस 2 बोलो क्या लगेगा, एन इज इक्वल टू एन नॉट हाफ रेज टू पावर एन, तो एन की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻³, एन नॉट निकालना है, स्मॉल एन क्या होता है स्मॉल टी डिवाइडेड बाय टी, कहां से लाओगे टी हाफ आएगा तभी तो एन आएगा तभी तो एन नॉट आएगा, इसलिए केस नंबर 1 क्यों गिवन है, ताकि आप क्या निकाल सको टी हाफ, समझ में आया यहां तक, ऑनलाइन क्लियर है, ऐसा क्यों गिवन है, तो बस ये लिख लेना, ये ना सोल्यूशन थोड़ा अजीब सा है, ये लिख लेना इसके बाद केस नंबर 2 ये लिख लेना, तो केस नंबर 2 में ये फॉर्मूला लगाएं और एन नॉट निकाल लें, तो टी हाफ ऊपर से कितना आया हमारे पास 1, हाफ लाइफ पीरियड 1 डे का है, तो 6 दिनों में कितने हाफ लाइफ हुए 6 हाफ लाइफ हुए,
तो सेकंड केस में जो एन है वो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, राइट? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस 20 डेज, टी हाफ गिवन है, फाइंड डीके कांस्टेंट। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही क्लियर है, 0.6931 को हाफ लाइफ पीरियड से डिवाइड कर दो पर सेकंड आंसर। नेक्स्ट, टाइम टेकन फॉर द सैंपल टू डीके बाय 7/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, टाइम टेकन स्मॉल टी निकालना है ताकि सैंपल 7/8 से डीके हो जाए, डीके होने का मतलब इतने टूट जाए, तो बचे कितना, 1/8, और हम अपना काम बचे हुए एलिमेंट्स पे निकालते हैं, बचे हुए एटम पे निकालते हैं, टूटे हुए एटम पे कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि n इक्वल टू n नॉट में n क्या होता है, एटम लेफ्ट, तो 7/8 अगर टूट गए बचे कितने, 1/8 का मतलब हाफ रेज टू पावर 3, तो n की वैल्यू कितनी है, 3, तो पता लग रहा है यहां से n की वैल्यू सीधी कितनी है, 3, तो अगर n 3 है तो हमें एक फॉर्मूला पता है स्मॉल n का, स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल t डिवाइडेड बाई टी हाफ, तो यहां से स्मॉल टी क्या आएगा, एन इन टू टी हाफ, तो एन कितना है यहां पर, 3, 1/8 का मतलब 2, हाफ इज टू पावर 3, और टी हाफ कितना है यहां पर, कितना, 20, तो आंसर टोटल कितना आएगा, 60। समझ में आ रहा है कैसे सोचना है इसमें, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखें, देखो, एन ऑब्जर्वर इन लैब स्टार्ट विद एन नॉट न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, तो कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और इनिशियल नंबर ऑफ एटम कितने लेता है, एन नॉट, एंड कीप्स ऑन ऑब्जर्विंग द नंबर एन ऑफ द लेफ्ट ओवर न्यूक्लियाई एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स ईच, हर 10-10 मिनट के बाद वो चेक करता जा रहा है कि नंबर ऑफ एटम कितने लेफ्ट हैं, और फिर उसको एन नॉट बाई एन को डिवाइड करके लॉग ऑफ एन नॉट बाई एन की वैल्यू को साथ साथ कैलकुलेट करके लिखता जा रहा है, तो यानी कि वो टेबल आपको दे रहा है किसका, टाइम का और लॉग ऑफ एन नॉट बाई एन का। अब यूज दिस डेटा टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस विद टाइम टी, और पहले ग्राफ प्लॉट करो, फिर उसके बाद इसका ग्राफ से डी के कॉन्स्टेंट लैमडा निकालो और हाफ लाइफ पीरियड निकालो, अगर लैमडा आ गया कैपिटल टी हाफ तो आ ही जाएगा, पहले ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ प्लॉट करने में कुछ नहीं करना, ग्राफ पेपर लेना है, टाइम इंटरवल लेना है और ये वैल्यू को एज इट इज प्लॉट कर देना है, तो ये 10-10 सेकंड के इंटरवल, 10-10 मिनट के इंटरवल है, और ये लॉग ऑफ एन नॉट बाई एन का ग्राफ है, जब आप प्लॉटिंग करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, मतलब सीधा ही ड्रॉ करना है, ठीक है यहाँ तक? अब ये ग्राफ को देखते हुए आपको इसमें लैम्डा निकालना है, ठीक? अब लैम्डा कैसे निकलेगा, लैम्डा निकालने के लिए एक पॉइंट बताओ कि अगर सपोज करो मैं एक
हमने एक फॉर्मूला किया था, फॉर्मूला था एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, ये फॉर्मूला था। और याद रहे जो आपका ग्राफ है वो स्मॉल टी का, और यहाँ पर क्या है लॉग ऑफ क्या था एन नॉट बाय एन टू द बेस ई, इसका ग्राफ है। अब यहाँ से मैं एन बाय एन नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी लिख लूँ, पर प्रॉब्लम ये ग्राफ जो है वो एन बाय एन नॉट का नहीं है, वो एन नॉट बाय एन का है। तो एक काम क्यों नहीं करते, इसको रेसिप्रोकल ले लो, एन नॉट बाय एन कर लो, तो ये ई रेज टू पावर पॉजिटिव हो जाएगा लैम्डा टी, सही है। तो इसमें लॉग लगा लो दोनों तरफ, लॉग टू द बेस ई ताकि एन नॉट बाय एन आ जाए, और यहां पर भी लगाना पड़ेगा लॉग टू द बेस ई, तो ई रेज टू पावर कितना लैम्डा टी, ऐसे कोई फर्क नहीं है। तो लेफ्ट हैंड तो सही आ गई। अब क्या मैथ्स का रूल है, ये जो पावर होती है ये नीचे आ जाएगी लैम्डा टी, और क्या बचेगा लॉग ऑफ ई टू द बेस ई, जो कि मैथ्स में क्या होता है वन। तो आपके पास क्या आ गया, लॉग टू द बेस ई एन नॉट डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू कितना लैम्डा टी, राइट। तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो आपका जो ग्राफ है वो इन दोनों के बीच में है, आप कोई भी एक वैल्यू उठा लो, जैसे टी इज इक्वल टू 10 मिनट वाली वैल्यू उठा लो, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये वैल्यू भी आ जाएगी। तो यानी कि आपको ये वैल्यू ग्राफ से पता लग जाएगी, आपको ये वैल्यू 10 मिनट ग्राफ से पता लग जाएगी, यहाँ से सॉल्व करके क्या जाएगा लैम्डा। तो इस फॉर्मूले से आपको ये पूरी की पूरी वैल्यू, तो ग्राफ में कोई भी टेबल की बने, टेबल में से कोई भी वैल्यू उठा लो और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली टाइम उठा लो, कोई मर्जी, बहुत सारी रीडिंग्स की बने आपको 10, 20, 30, 40, कोई मर्जी। अगर 10 मिनट्स पे उठाओगे तो ये वैल्यू 10 मिनट्स की ही उठानी पड़ेगी, अगर 20 है तो 20 की, तो लैम्डा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये देखो, तो यहाँ से सॉल्व करके आपने 10 मिनट्स वाली वैल्यू उठा ली, तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू इतनी आ गई, लैम्डा आ गया, तो हाफ लाइफ पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड। तो समझ में आ रहा है कि करना क्या है। तो स्टेप इसकी कैलकुलेशन तो जो है आपको समझ में आ गया, आपको क्या करना है अपनी कैलकुलेशंस करना। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। 22nd देखो, 22nd में हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1500 ईयर्स, तो आपको टी हाफ गिवन है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल 1 ग्राम ऑफ प्योर रेडियम रिड्यूस टू 1 सेंटीग्राम, तो आपको एन नॉट गिवन है और आपको एन गिवन है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम रिड्यूस होके कितने हो जाएंगे 1 सेंटीग्राम, तो एन गिवन है। और थे कितने, एन नॉट कितने 1 ग्राम एन नॉट था। समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें टाइम बताना है ऐसा कितनी देर में हुआ। तो आप एक काम करें, टी हाफ लाइफ पीरियड गिवन है, यहाँ से सॉल्व करके लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड। एन नॉट आपको 1 ग्राम गिवन है, और रिड्यूस टू का मतलब इतने बच गए, तो कितने बचे 1 सेंटीग्राम, सेंटीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया,
और ऐसा कितनी देर तक ये प्रोसेस चला, तो टाइम ऑफ रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला हमने किया हुआ है, तो मैंने प्रूफ भी करवाया था। तो टाइम ऑफ रेडियो एक्टिविटी में लैम्डा आपने हाफ लाइफ से निकाल लिया, एन नॉट पता है और एन पता है, यहाँ से आंसर आ गया। और लॉग ऑफ ये जो वैल्यू है, लॉग टू द बेस 10 होता है इसमें, तो ये 100 हो जाएगा, 100 का मतलब 10 की पावर 2, तो 2 पावर नीचे आ गए, लॉग 10 टू द बेस 10 क्या होगा, 1। तो एक आंसर आ गया। अब जो दूसरा पार्ट है इसमें क्या डिफरेंस है, एन नॉट तो अभी भी 1 ग्राम है, एन कितने है? कितने लोग बोलते हैं 1 मिलीग्राम? नहीं, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में वो कह रहे हैं रिड्यूस टू 1 सेंटीग्राम, रिड्यूस टू मतलब इतने बच गए, और इसमें क्या कह रहे हैं लूज 1 मिलीग्राम, लूज का मतलब गए, टूट गए, तो बचे कितने, 1 ग्राम में से 1 मिलीग्राम को माइनस करना पड़ेगा। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, हमें बचे हुए एटम निकालने हैं, तो वो तो ये कह रहा है कि इतने लूज हो गए, गए तो कितने लूज हो गए, तो टोटल 1 ग्राम है, इतने लूज हो गए, बचे इतने, तो एन माइनस करके निकालना पड़ेगा सेकंड पार्ट में। क्लियर है? आता है, ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन में, रिड्यूस 2 है या रिड्यूस्ड या लॉस्ट नंबर ऑफ एटम लॉस्ट गिवन है। क्लियर है आता? तो ये एन आ गया, एन नॉट आ गया, सेम क्वेश्चन है अगेन, लैम्डा हम निकाल चुके हैं, एन नॉट एन हमें पता है, यहां से सॉल्व करके टी आ गया। ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, 23। तो क्या क्वेश्चन है, डीके कांस्टेंट फॉर अ न्यूक्लियाइड हैज अ वैल्यू ऑफ गिवन, तो अगर आपको लैम्डा गिवन है, सबसे पहले क्या निकलेगा, टी हाफ, आफ्टर हाउ मच टाइम स्मॉल टी निकालना है, तो कितने रिड्यूस हो गए, 6.25% हमने किया, इसमें कितने हाफ लाइफ निकलेंगे, 4, तो 4 का मतलब स्मॉल टी क्या होगा, एन इंटू टी हाफ, 2 डेज, ये हमने किया, सेम रिपीट है क्वेश्चन, इस 24th को करें। तो हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम अगेंस्ट अल्फा डीके इज गिवन, तो हाफ लाइफ गिवन है, व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल हैविंग इतने एटम, देखो जो एक्टिविटी है आर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इंटू एन, और लैम्डा क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड गिवन है, एन पता है, यहाँ से वैल्यूज पुट करके क्या आएगा, रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी के यूनिट्स क्या होंगे, डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट 25।
हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम अगेंस्ट अल्फा डीके गिवन है. देखो ध्यान आगे, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्लीज. हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू गिवन है. कैलकुलेट एक्टिविटी, एक्टिविटी आर है लैम्डा इन टू एन. जब 1 ग्राम ऑफ सैंपल गिवन है इसका, अब प्रॉब्लम क्या है, एक्टिविटी जो होती है ना वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में कैलकुलेट की जाती है, और डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो मास का नहीं होता, वो एटम्स का होता है. तो जितने भी क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी की एक्टिविटी के हैं, तो आपको हाफ लाइफ पीरियड गिवन है, इसको आपने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया. क्यों आपने पहले नहीं किया? क्योंकि आपके यूनिट्स क्या आने चाहिए, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. तो रेडियो एक्टिविटी एक्टिविटी की प्रॉब्लम में ईयर्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकेंड में. फिर दूसरा आपको मास कितना गिवन है, 1 ग्राम सैंपल गिवन है, किसका, यूरेनियम का, जिसका कैपिटल एम कितना है, 238. केमिस्ट्री लगानी पड़ेगी एवोगैड्रो नंबर की, तो एवोगैड्रो नंबर की हेल्प से नंबर ऑफ एटम निकालने पड़ेंगे. इतने एटम्स हैं सैंपल में, कितने सैंपल में, 1 ग्राम सैंपल में. आप कहेंगे सर पहले नहीं निकाला, पहले तो केजी को केजी में पुट कर दिया था एन, क्योंकि पहले फॉर्मूला क्या चल रहा था, एन बाय एन नॉट. तो अगर एन केजी में है, एन नॉट भी केजी में है, तो केजी केजी कैंसिल, इससे फर्क नहीं पड़ रहा था. पर अब हम कोई रेशियो नहीं निकाल रहे, हम एक्टिविटी निकाल रहे हैं, जो कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड किसकी होती है, एटम्स की. तो पहले आपको एटम निकालने पड़ेंगे, क्लियर है? तो एक्टिविटी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, या रेडियो एक्टिविटी आर निकालना है जिसमें, तो आपको 1 ग्राम यूज नहीं करना इसमें एन, तो 1 ग्राम कैपिटल एम तो इनिशियल था, मतलब इसका एटॉमिक मास नंबर है, इतना मास 1 ग्राम ऑफ सैंपल आपको गिवन है, इसकी एक्टिविटी निकालने, तो नंबर ऑफ एटम आ गए. अब क्या होगा, एक्टिविटी क्या होती है, लैम्डा एन. एट प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम एन हमारे पास इतने हैं, और लैम्डा आप हाफ लाइफ से निकाल सकते हैं, तो लैम्डा की जगह 0.693 बाय हाफ लाइफ, तो यहां से सॉल्व करके आंसर आएगा. तो आप यहां तक छोड़ दें, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं, बैकरल, बैकरल यूनिट्स. ठीक है यहां तक? तो कैसे सॉल्व करना है समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ एटम की कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी एक्टिविटी की प्रॉब्लम्स में. नेक्स्ट, तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, दी रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 10 ईयर, टी हाफ गिवन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द एक्टिविटी टू रिड्यूस टू 3.125. अब ये खास फिगर आ गई, क्योंकि 6.25 जो होता है उसमें कितने हाफ लाइफ है, 4, अभी उसका भी आधा है, तो कितने हो गए, 5. अदरवाइज टेक्निकली तो मैंने बता ही दिया, इसको डिवाइड करके 1/32 आएगा, अदरवाइज आपको पता लग ही रहा है 5. तो इसमें स्मॉल टी यानी कि कितनी देर तक प्रोसेस चलेगा, तो एन को हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करके आंसर सही है. 27th एक्टिविटी की प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने पड़ेंगे. रेडियो एक्टिव सैंपल कंटेन्स 2.2
मिलीग्राम ऑफ प्योर कार्बन विच हैज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 1224 सेकेंड्स। तो आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ एटम तो प्रेजेंट इन 11 ग्राम ऑफ सैंपल एवोगैड्रोस नंबर। 11 ग्राम कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, कार्बन 11 है तो सैंपल में 2.2 मिलीग्राम ऑफ प्योर कार्बन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अंदर एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो 11 ग्राम है वो कैपिटल एम है और सैंपल कितना है 2.2 मिलीग्राम, तो पहले आप थोड़ी केमिस्ट्री लगाएं और 2.2 मिलीग्राम में कितने एटम्स हैं 11 के हिसाब से आप कैलकुलेट करके नंबर ऑफ एटम निकालें, जो कि इनिशियली इतने थे, क्योंकि वो कह रहा है 2.2 ग्राम सैंपल जो था इनिशियली था, तो ये क्या आ गया, एन नॉट आ गया। क्या निकालना है, नंबर ऑफ, नहीं एन आया, एन नॉट एन आया, फिर इसका मतलब क्योंकि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इनिशियली, सैंपल कंटेन्स 2.2 मिलीग्राम ऑफ प्योर कॉपर, तो ठीक है उसे इनिशियली नहीं लिखा, फिर एन मानेंगे क्योंकि वैसे भी इसमें एन नॉट निकालना है इनिशियली। तो यानी कि ये जो नंबर ऑफ जो एटम्स आए, ये मेरे पास क्या आया, ये गलत लिखा हुआ है प्रेजेंट इनिशियली इसका मतलब, तो इसके अंदर इनिशियली कैसे हो सकता है, निकालना पड़ेगा, या तो ये निकालना है कि इसे इनिशियली मान लिया, पता नहीं, क्लियर करना चाहिए था। रेडियो एक्टिव सैंपल कंटेन्स 2.2 मिलीग्राम ऑफ प्योर कॉपर, फिर से पढ़ लेते हैं, कार्बन 11 विच हैज़ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ इतना। अब कह नहीं रहा यार कि वो इनिशियली था या किसी प्रेजेंट पे था। अच्छा ठीक है, दो पार्ट्स इकट्ठे पढ़ो, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इनिशियली एंड एक्टिविटी व्हेन 5 माइक्रोग्राम ऑफ सैंपल विल बी लेफ्ट। अब विल बी लेफ्ट की कहानी कर रहा है, इसका मतलब ये एन नॉट ही होगा, क्योंकि लेफ्ट तभी पूछ रहा है ना, एन तभी पूछेगा जब एन नॉट गिवन होगा, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्लियर कर रही है कि ये एन नॉट है, तो ये इनिशियली है, तो इनिशियली में बस केमिस्ट्री लगा के जो नंबर ऑफ एटम आएंगे वही इनिशियली माने जाएंगे, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकेंड पार्ट में 5 माइक्रोग्राम में केमिस्ट्री लगा के पहले नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, ये एन हो गया, ये एन है, तो 2.2 ग्राम मिलीग्राम इसमें एन नॉट है और इसमें 5 माइक्रोग्राम इसमें एन है, राइट। तो आपको क्या निकालना है, इसमें एक्टिविटी निकालनी है, तो आप एन निकाल चुके हैं, एक्टिविटी क्या होती है, आर लैम्डा इंटू एन, लैम्डा हाफ लाइफ पीरियड से निकल आएगा, एन आपने निकाल लिया, मल्टीप्लाई करके आंसर, और यूनिट्स क्या आएंगे, डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। ठीक, समझ में आ रहा है कैसे सोचना है इसमें। 28th, टू रेडियो एक्टिव सैंपल्स एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ एटम एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो एन नॉट एक्स और वाई का एग्जैक्टली सेम है, देयर हाफ लाइफ आर 3 and 4 ईयर्स आर रिस्पेक्टिवली, तो हाफ लाइफ पीरियड एक्स और वाई दोनों का गिवन है, कंपेयर द रेट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन, आर की रेशियो निकालनी है ऑफ टू न्यूक्लियाई आफ्टर 12 आवर्स, 12 घंटे के बाद आर क्या होगा ये बताना है, तो हाफ लाइफ पीरियड एक्स का कितना है 3 आवर, तो ये रेडियो एक्टिविटी कितने देर तक चली 12 घंटे, तो एन क्या आएगा 4, तो ऐसे कितने हाफ लाइफ हुए 4, तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट क्या होगा, एन नॉट हाफ रेज टू पावर 4 एन नॉट बाय 16, तो क्लियर हो गया, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट आ गया, पर हमने एक्टिविटी की रेशियो निकालनी अभी निकलेगी, पहले आप क्या निकालेंगे इसमें एन एक्स निकाल लेंगे, सही, फिर वाई के लिए निकालेंगे सेम, हाफ लाइफ पीरियड पता है,
एन क्या होगा, 12 घंटे तक रेडियो एक्टिविटी चली, हाफ लाइफ पीरियड 4 है तो 3, नंबर ऑफ एटम वाई में ये फॉर्मूला लगा के कितने आ गए, एन नॉट बाई 8। अब एक्टिविटी क्या होती है, लैमडा इन टू एन, तो एक्टिविटी एक्स की और एक्टिविटी वाई की। अब लैमडा जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ होता है, तो ये एक्स है तो ये नीचे आ गया, ये वाई है तो ये ऊपर आ गया। अब आपको क्वेश्चन में टी हाफ लाइफ पीरियड दोनों का गिवन है, एन एक्स और एन वाई भी गिवन है, सॉल्व करके आंसर आ गया, डन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन 29, इन एन एक्सपेरिमेंट द एक्टिविटी ऑफ 1.2 मिलीग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव पोटेशियम क्लोराइड वॉज फाउंड टू बी 170 per second। तो आपको क्या गिवन है, एक्टिविटी ऑफ 1.2 मिलीग्राम्स, तो 1.2 मिलीग्राम्स के अंदर पहले एटम भी नहीं, क्योंकि एक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें केमिस्ट्री लगानी पड़ेगी, क्योंकि कैपिटल एम की वैल्यू आपको क्या गिवन है, इसमें टोटल मोलर मास 0.075 kg पर मोल, तो कैपिटल एम ग्राम में कन्वर्ट करना है, और आपको सैंपल कितना गिवन है, 1.2 मिलीग्राम्स का, तो पहले आप अपने केमिस्ट्री लगा के इसमें नंबर ऑफ एटम एन निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ एटम आ गए 1.2 मिलीग्राम के अंदर इतने एटम है, आपको क्या निकालना है, इसकी एक्टिविटी निकालनी है, इसकी एक्टिविटी क्या होगी, लैमडा इन टू एन, लैमडा क्या है, 0.693 बाय टी हाफ लाइफ पीरियड, एन आप निकाल चुके हैं, हाफ लाइफ पीरियड आपको पता है आंसर, तो यहाँ से आंसर आएगा, तो सॉरी एक्टिविटी आपको पता है और हाफ लाइफ पीरियड आपको निकालना है, सॉरी उल्टा हो गया, नॉर्मली हाफ लाइफ पीरियड गिवन होता है, एक्टिविटी निकालनी है, इसमें उल्टा काम है, इसकी जरूरत नहीं है।